हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिकाज फ्रूटफुल केयर कैसे हैं आप आई होप आप सब ठीक होंगे सो आई एम बैक आफ्टर अ ब्रेक सो आज हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में विंटर्स हेयर केयर के बारे में आज मैं जो आपको ऑयलिंग बताने जा रही हूँ वो आपके बालों में जो आपके इचीनेस की प्रॉब्लम है बालों में डैंड्रफ है या आपके स्कैल्प में किसी तरह के कोई इन्फेक्शन हैं या आपके बाल बहुत ड्राई हैं हर तरह के किसी भी तरह के हेयर प्रॉब्लम जो आपको होती हैं उन सब में ये आपको बहुत बेनिफिट देगी आपकी सारी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि विंटर्स में जो है हेयर ग्रोथ नहीं होती है कंपैरेटिवली, बाकी सीजन्स के तो विंटर्स में लेकिन जैसे हम लोग खाते पीते हैं खूब सारा अच्छी अच्छी चीज़ें चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों चाहे वो घी हो और चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल जितना भी न्यूट्रिएंट हम स्पेशली जो फैटी एसिड्स हैं जो हम जो भी खाते हैं वो हमारे जो हैं वो आगे के सीज़न्स में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं जब हम चाहे वो समर्स हैं जब हमारा खाने का जो क्योंकि इतना हीट बॉडी में हो जाता है कि हम लोग खा नहीं पाते हैं तो हमारी डाइट भी कम हो जाती है तो विंटर्स में हमारा जो है डाइट बहुत अच्छे से होती है और जो खाया होता है इस सीज़न में वो हमारे नेक्स्ट सीजन्स में हमें बहुत काम आता है तो ऐसे ही जैसे क्योंकि बालों की चाहे ग्रोथ हो या ना हो लेकिन इस समय जो बालों की केयर हमारी होती है वो हमारी आने वाले सीजन्स में बहुत हमें बेनिफिट देती है तो आज मैं आपको जो ऑयलिंग बताऊंगी वो आपको आपके हेयर ग्रोथ में आपके जितने भी स्कैल्प में इन्फेक्शन हैं या डेंड्रफ है इस तरह के सब प्रॉब्लम से आपको बहुत ही आपको इससे रिलीफ मिलेगा तो पहले मैं आपको इसका जो है बता देती हूँ मेथड कि आपको किस तरह से ऑयल जो है वो प्रिपेयर करना है तो चलिए तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए ये मैंने येलो मस्टर्ड ऑयल लिया है मतलब पीली सरसों का तेल है ये बहुत बढ़िया है ये खाने के लिए भी और इसके अंदर मैं जो है लेमन जूस ऐड कर रही हूँ इसमें मैं वन लेमन जूस जो है वो डालूँगी तो वो आप लगा लीजिए दो से तीन चम्मच जो है वो नींबू के रस के इसमें डलेंगे बहुत बढ़िया है ये डेंड्रफ वगैरह जितनी भी आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छा है ये तो अच्छे से इसको बीट कीजिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वाटर और ऑयल को मिक्स करने में होता तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी हो भी जाता है तो आप इसको बीट कीजिए अच्छे से तो ये मिक्स हो जाएगा यहाँ पे मैंने ये देसी कपूर ली है देसी कैम्फ़र बहुत बढ़िया है ये हर तरह के जितने भी आपके स्किन में बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन्स हो होते हैं तो वो इस चीज़ से आपको बहुत रिलीफ मिल जाता है बहुत बढ़िया रहता है ये डेंड्रफ वग़ैरह बिल्कुल नहीं होते स्कैल्प बिल्कुल हेल्दी रहता है अगर आपका स्कैल्प हेल्दी है तो आपके बालों की ग्रोथ और उनका जो भी टेक्सचर वग़ैरह है बहुत इम्प्रूव होता है तो बालों की बालों की हेल्थ उसकी लेंथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अच्छे से मिक्स कीजिए इसको देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तो बस इस तरह से क्योंकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर रहेगा और बाकी चीज़ें थोड़ी सी इसको थोड़ा मिक्स करना मुश्किल होता है तो बस आप आप कॉटन लीजिए और कॉटन की हेल्प से हम इसको अप्लाई करेंगे तो उससे पहले जो है बालों को आप डिटेंगल कर लीजिए अच्छे से तो ब्रश या कॉम जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आप बालों को डिटेंगल कर लीजिए मैंने शैम्पू नहीं किया हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए इस तरह की एक वीडियो बने ताकि आप सबको भी इसका बेनिफिट मिले बाल बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं तो बस कॉटन लीजिए और कॉटन की हेल्प से आप अपने जो स्कैल्प है वहाँ पे अप्लाई कीजिए छोटे छोटे बिल्कुल पास में पार्टीशन करके इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए ऑयल को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप इस तरह से ऑयल लगाते हैं आपके बालों के लिए आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है और आप बालों की बहुत अच्छे से अपने बालों की केयर कर सकते हैं तो इस तरह से पार्टीशन करते हुए अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग कीजिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है उसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट यही रहता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्कैल्प का इम्प्रूव होता है जिससे आपके बाल हेल्दी रहते हैं रिलैक्स तो बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि कैंफर अपने आप में ही इतना रिलैक्स रहता है माइंड के लिए ये क्योंकि अगर घर में भी जलाया जाता है तो आप जानते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया रहता है तो इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से सर्कुलर मोशन में पूरा आप अपने बालों को सर्कुलर मोशन में अपने स्कैल्प के अच्छे से मसाज कीजिए पीछे से भी बहुत ही रिलैक्स मिलता है देखिए किस तरह से और बालों को ऑयल लगाते हुए कंजूसी मत कीजिए खूब अच्छे से ऑयलिंग कीजिए ये बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है आप जब बालों को इसके बाद वॉश करते हैं आप खुद देख के हैरान रह जाते हैं कि बाल कितने बढ़िया हो जाते हैं देखिए इस तरह से नेक को भी पीछे से अच्छे से मसाज कीजिए इस तरह से पूरी जितनी भी हेयर लाइन है आपकी कहीं भी आपके बाल जो हैं वो बिना ऑयल के नहीं होने चाहिए अब ये देखिए यहाँ जो आपकी हेयर लाइन स्टार्ट होती है वहाँ पर आप इस तरह से जो है फिंगर की हेल्प से पूरे प्रेशर देंगे कान के पीछे फिंगर से हल्के हल्के से मसाज कीजिए बहुत ही रिलैक्सिंग है ये बहुत माइंड को फ्रेश करता है ये देखिए इस तरह से पूरी हेयर लाइन को प्रेशर दीजिए जहाँ जहाँ आपके पूरे पूरे स्कैल पे इस तरह से मसाज कीजिए अब जहाँ पे हम चोटी बांधते हैं जहाँ पे वो डीप एरिया होता है वहाँ पे अच्छे से मसाज कीजिए इस तरह से यहाँ पे नेक एरिया भी मसाज कीजिए जो कानों के बिल्कुल नीचे जा रही है कानों के पीछे फोर हेड पर मसाज कीजिए बहुत ही रिलैक्स फील होता है आपको सेंटर में प्रेस करते हुए टेम्पर पर ला कर उसको खींचते हुए प्रेस कर दीजिए इससे फोर हेड के रिंकल्स भी खत्म होते हैं आपके और रिलैक्सेशन तो बेहद ही मिलता है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और देखिए मैंने बाल शैम्पू कर लिए हैं देखिए बाल सूखे नहीं हैं लेकिन बालों को मैं फील कर सकती हूँ कितना ही बढ़िया है बालों का एकदम से वॉल्यूम बढ़ जाता है बाल बहुत सुंदर हो जाते हैं आई होप आपको ये टेक्निक जो बहुत इजी है कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठंड में किसी का भी मन नहीं करता मास्क लगाने का तो आप इस तरह से अपने बालों को बहुत ही अच्छे से केयर कर सकते हैं बालों की ऑयलिंग बहुत जरूरी होती है जरूर कीजिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी मिलते हैं नई वीडियो के साथ टेक केयर